पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। माता रानी की मूर्ति जब कंप्लीट हो जाएगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। माता रानी जितनी कोमल है उतनी ही ताकतवर भी, जो हमेशा ये सिखाती हैं कि कोई अगर परेशान करे, ब्लैकमेल करे या डराए तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं ना, प्लीज तोड़ दीजिए। सुमित नीत की बेटी है, आपकी ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। ओके, अगर तुम वाणी की लाइफ बर्बाद ही करना चाहती हो तो यही सही। आपकी सच्चाई जानने के बाद हो सकता है कि वाणी दी खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे, और ऐसे केसेस में सिर्फ लड़कियों की लाइफ बर्बाद नहीं होती, अभय जीजू की लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि अभय जीजू वाणी दी से बहुत 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 प्यार करते हैं। एंड यू नो व्हाट, हो सकता है कि अभय जीजू को वाणी दी से बिछड़ने का शौक लग जाए और वो लाइफ में फिर कभी शादी ना करे। इफ दैट्स रियली व्हाट यू वांट, माता रानी की आंखें सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए भी खुली हैं। और अगर आपकी सच्चाई जानने के बाद भी अभय जीजू ये रिश्ता तोड़ देंगे ना, तो फिर तो इस रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए। जो इंसान अभी अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो फ्यूचर में अपने प्यार को न्याय कैसे दिलवाएगा? वाणी दी को अभय जीजू से शादी करनी ही नहीं चाहिए। यू नो व्हाट, मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनकी परवरिश, शिक्षा हमेशा मेरे दिल में रहती है। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप रौनक के साथ होते हुए भी उसे एक अच्छा इंसान ना बना पाए। वैसे प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया था आपने, लेकिन आपका जो बेटा है ना, वो ही जरा कच्चा खिलाड़ी निकला। उसने आपका सारा का सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। हाँ, आई फील कि अगर आपने उसे थोड़ा प्यार से पाला होता, थोड़े संस्कार दिए होते ना, तो शायद वो औरतों की इज्जत करता, ना कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़। हाँ जी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।